दोस्तों आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड और न्यूजीलैंड के बीच घमासान मुकाबला खेला गया, जहां पहले आयरलैंड के गेंदबाज जोशुआ लिटिल ने हैट्रिक लेकर न्यूजीलैंड के बैंड बजाकर रख दिए, तो वहीं फिर पॉल स्टर्लिंग और एंड्रू बेलबिर्नी ने लगभग आयरलैंड की टीम को मुकाबले में जिता ही दिया था और वो मुकाबले को अंतिम ओवर तक लेकर चले गए। आखिरकार अंतिम ओवर में घमासान दोनों ही टीमों के बीच देखने के लिए मिला, तो आपको न्यूजीलैंड और आयरलैंड की टीम के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट यहां पर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर तुम सबको भी लगता है कि भारत की टीम इस साल T20 वर्ल्ड कप जीतेगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना। तो चलिए अब ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप का एक और मुकाबला आज न्यूजीलैंड और आयरलैंड की टीम के बीच खेला गया और इस मुकाबले में आयरलैंड टीम के कप्तान एंड्रू बेलबिर्नी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और यहां पर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवर में ही 6 विकेट खोकर 185 रन आयरलैंड की टीम के खिलाफ जड़ दिए थे। हालांकि दोस्तों एक समय पर तो लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम 150 के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहां पर फिन एलन और डेवन कॉनवे आज 32 और 28 रन बनाकर ही आउट हो चुके थे। लेकिन दोस्तों फिर जिस हिसाब से कप्तान केन विलियमसन और ग्लेन फिलिप्स ने पारी को संभाला, उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम के स्कोर ने रफ्तार पकड़ना शुरू किया और यहां पर केन विलियमसन ने 35 गेंदों में 61 रन जड़ डाले, तो वहीं ग्लेन फिलिप्स ने मात्र 9 गेंदों में 17 और डेरिल मिचेल ने 31 रनों की पारी खेली। हालांकि दोस्तों इस मुकाबले में एक चमत्कार तो आयरिश गेंदबाज जोशुआ लिटिल ने किया। दरअसल उन्होंने आज के इस मैच में हैट्रिक लिया। दरअसल 19वें ओवर के दूसरी गेंद पर पहले तो उन्होंने केन विलियमसन का विकेट गैरेथ डिलेनी के हाथों कैच आउट करवा कर दिया, तो वहीं दोस्तों फिर मैदान पर उतरे जेम्स नीसम पहली ही गेंद पर जोशुआ लिटिल की आउट हुए और फिर मिचेल सैंटनर जो कि पारी की शुरुआत करने आ ही हुए होते हैं वो भी आउट हो गए जोशुआ लिटिल की गेंद पर और उन्होंने इसी के साथ आज T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड की टीम के लिए दूसरा हैट्रिक अपने नाम किया। और दोस्तों अब 186 रनों का लक्ष्य आयरलैंड पार कर पाती या फिर नहीं ये किसी को भी नहीं पता था। लेकिन दोस्तों जो शुरुआत पॉल स्टर्लिंग और एंड्रू बेलबिर्नी ने आयरलैंड की टीम को दी, उसके बाद तो ये साफ हो गया कि दोनों ही खिलाड़ी यहाँ जीतने के इरादे से उतरे हैं और न्यूजीलैंड की टीम का खेल बिगाड़ने के लिए। और इसी बीच पॉल स्टर्लिंग और एंड्रू बेलबिर्नी ने मात्र देखते ही देखते 5 ओवर में अर्धशतकीय साझेदारी भी कर डाली। और दोस्तों इतना ही नहीं, दोनों ही बल्लेबाजों ने यहाँ खूब जमकर रन बरसाने शुरू कर दिए और दोस्तों देखते ही देखते आयरलैंड की टीम ने पहला विकेट अपना ना गवाते हुए भी 68 रनों की साझेदारी कर दी थी और यहां से न्यूजीलैंड की टीम के लिए अब खतरा बढ़ता चला जा रहा था कि कहीं आयरलैंड की टीम इस मुकाबले को जीत ना ले। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले में वापसी करवाई मिचेल सैंटनर ने। दरअसल पहला बड़ा झटका एंड्रू बेलबिर्नी कप्तान के रूप में ही मिचेल सैंटनर ने आयरलैंड की टीम को दिया, जो कि 25 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हुए। और दोस्तों ये बड़ा विकेट गिर जाने के बाद मानो एक के बाद एक आयरलैंड की टीम के विकेट गिरते चले गए, जहां अगला विकेट पॉल स्टर्लिंग का था जो कि इस सोडी की गेंद पर 27 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि यही वो बल्लेबाज थे जो कि अकेले दम पर न्यूजीलैंड की टीम को हरा सकते थे। लेकिन दोस्तों यहां पर फिर इन दोनों के आउट हो जाने के बाद मैदान पर उतरे लॉर्कन टकर और हैरी टेक्टर, जहां लॉर्कन टकर और हैरी टेक्टर अच्छी साझेदारी करते, उससे पहले ही मिचेल सैंटनर ने एक और बड़ा झटका आयरलैंड की टीम को हैरी टेक्टर को आउट कर दिया, जो कि 2 रन बनाकर ही आउट हुए। तो वहीं फिर चौथा विकेट आयरलैंड का ग्रेथ डेलेनी के रूप में गिरा गया और इसी के साथ एक के बाद एक विकेट गिरने की वजह से आयरलैंड की टीम इस मुकाबले में पिछड़ती चली गई और ये मैच न्यूजीलैंड की टीम ने अंतिम ओवर में जाकर अपने नाम कर लिया। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें कि न्यूजीलैंड की टीम ने इस मुकाबले में जीत के साथ ही पॉइंट टेबल में बड़ी बढ़त हासिल कर ली और वो T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने वाली सेमीफाइनल के लिए पहली टीम भी बन गई है। हालांकि दोस्तों न्यूजीलैंड का प्रदर्शन आज के मुकाबले में जबरदस्त था, जिसके बलबूते पर न्यूजीलैंड की टीम ने जीत हासिल कर ये इतिहास अंतिम ओवर में जा रचा। बाकी दोस्तों अब आप सभी को क्या लगता है कि इस साल भारत न्यूजीलैंड के बीच में अगर फाइनल मुकाबला खेला गया तो कौन सी टीम वर्ल्ड कप का फाइनल मैच जीतेगी? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।